अब एक ऐसे राज्य की बात जहां पर मोदी की पार्टी चुनाव हार भी सकती है, एक राज्य ऐसा है जहां मोदी का विजय रथ रुक सकता है, राहुल गांधी की पार्टी यहां मोदी की पार्टी को हरा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी फोर्स वहां भेजी है, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस जैसे हैवीवेट नेताओं की पलटन कर्नाटक में उतारी गई है और अब मोदी खुद इस चुनाव क्षेत्र में उतरने वाले हैं। मोदी कल अपने पार्टी वर्कर्स यानी फुट सोल्जर्स से बात करेंगे और परसों खुद कर्नाटक जाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा प्लान है जिससे वो कर्नाटक की इस बाजी को भी पलट देंगे? क्या चुनाव प्रचार के आखिरी 11 दिनों में मोदी कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे नतीजा बदल जाए? मोदी की पार्टी ये चुनाव कैसे लड़ रही है और इसमें 24 के लिए क्या सबक है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सर्वे नंबर 1, भविष्यवाणी, बीजेपी ये चुनाव हार जाएगी। सर्वे नंबर 2, मोदी की पार्टी ये चुनाव बड़े अंतर से हारेगी। सर्वे नंबर 3, राहुल गांधी की पार्टी 2023 का पहला चुनाव जीतेगी। सारे सर्वे आ गए, सबका इशारा एक तरफ। नई दिल्ली में बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी आया, उसने भी रेड लाइट ही जलाया। इसके बाद एक ऐसा प्लान बना जिससे हारा हुआ चुनाव जीता जा सके। मोदी की पार्टी अब एक ऐसा चुनाव लड़ रही है जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सबसे मुश्किल इलेक्शन माना जा रहा है। टफ इलेक्शन कैसे लड़ती है बीजेपी? मुश्किल टास्क हो तो मोदी की फोर्स कैसे आगे बढ़ती है? मैदान में मोदी देर से आ रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 12 दिन बचे हैं। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस और जेपी नड्डा को क्या रोल दिया गया है? क्या कर्नाटक जीतने का रामबाण आखिर में बीजेपी को मिल ही गया? धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया, लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार का पाप कभी नहीं कर सकती है, सत्ता मिले या न मिले। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे और लिंगायत वोकलिगा एससी रोस्टी का कम कर देंगे। ऐसा करना चाहिए भाई, जरा बोलो करना चाहिए, करना चाहिए। आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार भी नहीं आनी है और रिजर्वेशन कम भी नहीं। जो बात योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ठीक वही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, वही बात अमित शाह बोल रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी भी यही बोलेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस 40% करप्शन और पेशियम को मुद्दा बनाकर बढ़ रही थी। 20 दिन पहले तक बीजेपी के पास इसका काउंटर नैरेटिव नहीं था।
सीधे सीधे कहें तो बीजेपी के पास कोई रामबाण मुद्दा नहीं था, मगर अब 40% करप्शन का काउंटर बीजेपी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन से कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग बली हनुमान जी मिले थे, इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। करप्शन वर्सेस रिजर्वेशन, कर्नाटक इलेक्शन की पिच सेट हो गई है और अब इस पिच पर सियासत का सबसे बड़ा बल्लेबाज बैटिंग के लिए उतरने वाला है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री का मेगा इलेक्शन कैंपेन लॉन्च होने जा रहा है, 6 दिन में 16 रैलियां और रोड शो, ये मोदी का कर्नाटक प्लान है। नरेंद्र मोदी इस साल 8 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं, यानी बेस पहले से तैयार है, मोदी सेना मैदान में उतर चुकी है। अब सेनापति को यह कंफर्म करना है कि कर्नाटक के दुर्ग पर भगवा ध्वज ही लहराता। 27 अप्रैल को मोदी कर्नाटक बीजेपी के बूथ वर्कर्स को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 28 अप्रैल से प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव क्षेत्र में सीधे सीधे उतर जाएंगे। मोदी का चुनाव प्रचार कर्नाटक के सबसे बड़े जिले बेलगावी से लॉन्च होगा। 29 अप्रैल को मोदी 3 रैलियां और 1 रोड शो करेंगे। 30 अप्रैल को भी मोदी की 3 रैलियों के साथ 1 रोड शो होगा। मोदी 3 मई, 4 मई, 6 मई और 7 मई को भी कर्नाटक में रैलियां करेंगे। मोदी कर्नाटक पहुंचने वाले हैं, उससे पहले योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान माहौल बना रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हो यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम, हनुमान, मुसलमान, आरक्षण, तुष्टिकरण, पीएफआई, डबल इंजन, टीम इंडिया, कैप्टन मोदी। कर्नाटक में बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग चल रही है। दक्षिण के इस राज्य में अब तक जितने सर्वे हुए सब यही इशारा करते हैं कि यहां बीजेपी की सरकार के साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जुड़ा हुआ है। पिछले 10 साल में करीब 9 साल बीजेपी ने ही सरकार चलाई है। मोदी की पार्टी को यहां एंटी इनकम्बेंसी को हराने का पक्का मंत्र ढूंढना है। गुजरात में मोदी ने 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को हरा दिया। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को हराने का मॉडल ढूंढ लिया, मगर हिमाचल प्रदेश के मैच में बीजेपी फाइनल ओवर में हार गई।
अगर बीजेपी ने कर्नाटक जीत लिया तो समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी को हराने का पक्का मॉडल मोदी को मिल गया। ऐसी सूरत में 24 का चुनाव मोदी के लिए केक वॉक हो जाएगा। 24 में मोदी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। चुनाव में जीतना हारना किसी पार्टी के वश में नहीं, मगर बीजेपी ये दिखा रही है कि चुनाव लड़ो तो ऐसे लड़ो। कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के पास बेनिफिट ये है कि उसके तीन बड़े नेता कन्नड़ बोलने वाले हैं। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप से बीजेपी की नेशनल लीडरशिप लड़ रही है। अगर कर्नाटक में लोकल वर्सेस लोकल हो गया तो कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर नेशनल वर्सेस नेशनल यानी राहुल वर्सेस मोदी हो जाएगा तो मोदी को बेनिफिट हो जाएगा। कांग्रेस कर्नाटक में राहुल को कम उतार रही है। प्रियंका भी ओल्ड मैसूरू के उस रीजन में आकर डोसा बना रही हैं जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। योगी आदित्यनाथ को उसी ओल्ड मैसूरू रीजन में बीजेपी का भाग्य बदलने के लिए उतारा गया। ओल्ड मैसूरू रीजन में बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में है। 5 साल पहले भी यहां बीजेपी पिछड़ गई थी। ओल्ड मैसूरू रीजन में विधानसभा की 56 सीटें हैं। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने यहां की 31 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ओल्ड मैसूरू रीजन में अगर बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस का तिलिस्म तोड़ दिया तो पूरा कर्नाटक भगवा भगवा हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो साफ साफ लगता है कि वो कर्नाटक को जीता हुआ मान रहे हैं। बीजेपी के नेता कांग्रेस को टफ फाइट दे रहे हैं और मोदी अभी आने वाले हैं। क्या 11 दिनों में मोदी कर्नाटक की हवा बदल देंगे? ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्राउंड वर्क कैसा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने मांड्या में रैली की जो ओल्ड मैसूरू रीजन का हिस्सा है। देवेंद्र फडणवीस को विजयपुरा में उतारा गया जो मुंबई कर्नाटक या कित्तूर कर्नाटक रीजन का पार्ट है। शिवराज सिंह चौहान को भी मुंबई कर्नाटक के बेलगावी और हक्केरी में उतारा गया। राजनाथ सिंह ने कागवाड़ में रैली की, ये भी मुंबई कर्नाटक का हिस्सा है। मुंबई कर्नाटक या कित्तूर कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है। बीजेपी यहां अपनी पोजीशन और स्ट्रांग करना चाहती है। इस रीजन में प्रचार करने आए बीजेपी के नेशनल लीडर कर्नाटक के लोकल इश्यूज को कम छूते हैं और नेशनल सिंबल्स को ज्यादा पकड़ते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।